तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जेपी एसोसिएट के स्टॉक के बारे में। जेपी एसोसिएट के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको अप्रैल से ही यहाँ पर लगातार क्लियर अपट्रेंड में देखने को मिल रहा था। हमको यहाँ पर स्टॉक में हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था। फिर 14 के लेवल से स्टॉक ने यहाँ पर रजिस्टेंस लिया जिसके बाद से अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ से अभी हम स्टॉक की बात करें तो यहाँ से अभी हमारे पास स्टॉक को 11.60 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 10.45, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 9.65, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 9 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट भाई यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी कंडीशन में हमारे पास है यहाँ पर स्टॉक का 12.15 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन को यहाँ पर स्टॉक है 13.15, इसके बाद आपको यहाँ पर स्टॉक ने 14.30, और अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको यहाँ ब्रेक किया देन को यहाँ पर स्टॉक में 15, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 17, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 19-20 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की तरह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।